वैसे मैं एक और शो कर सकता हूँ कैसर भाई, आप दोनों पे पता है बहुत मजे का हो रहा है ये शो। अभी तो कोई बातें ही नहीं की मैंने, अभी तो मैंने कोई सच्चाइयां बयान ही नहीं की। अभी आपने कुछ बातें ही नहीं की, कॉम्प्रोमाइज़ पे चल रही हूँ। तुचारी मैं खुदकुशी कर लूँ यार, नेक काम में देर किस बात की, फौरन इमीडिएटली। अच्छा और क्या, कोई नहीं खुदकुशी करता किसी के लिए। आजकल ऐसी बातें होती हैं, जबानी कलामी किसी ने किया आज तक किसी? अरे तुम हुक्म तो करो। नहीं नहीं मैं ऐसे हुक्म करती नहीं, अपने सर पे गुनाह पालू मैं खामखा। नहीं कोई गुनाह नहीं, मैं क्या विल एक लिख के जाऊंगा कि जो भी करेगा आदमी अपनी मर्जी से, है ना। ये देखे देखे अगर अच्छा, तो जायदाद बहुत ज्यादा तो फिर मैं बोलती भी। एक ब्रेक ले ले, जायदाद मेरे पास होती तो मैं पागलों खुदकुशी करता, इंजॉय करता। अच्छा आपकी अगर इजाजत हो तो हम ब्रेक ले लें, प्लीज गो अहेड। ठीक है जी, इजाजत मिलगी। हमारे साथ मौजूद हैं द ब्यूटीफुल कपल, जबरदस्त। कैसे भी कुछ बोलना चाहते थे लेकिन आप जब कुछ बोलने लगते हैं तो मुझे लगता है आप फिर खामोश होते हैं, आप कहते हैं ना ही बोलो तो बेहतर, ऐसा है तो नहीं? मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया ना कि इस वक्त जो कोरोना वायरस का एक टेंशन चल रहा, फिर बहुत सारी चीजें होती हैं इंसान के ज़हन में चल रही होती हैं। तो खैर आप सवाल करें, आपको जवाब मैं दूंगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बच्चों के साथ रिलेशनशिप अच्छा होना सक्सेसफुल पेरेंट्स या एक कपल के लिए कितना जरूरी है? मैं जवाब दे दूं अगर आप इजाजत दें तो। मैं तो करके बैठी हुई हूँ यहाँ पे, यहाँ पे जवाब था। ऐसा होता ये कि मेरे जो दोनों बेटे हैं ना माशाल्लाह, जब ये दोनों छोटे थे ना तब से मैं इनको आउटडोर एक्टिविटीज पे बहुत ज्यादा, स्पोर्ट्स में या क्या क्रिकेट में भी। फिर देखिए बच्चों की एप्टीट्यूड आपको पता चल जाता है सही कि वो उनका जहन उनका सोच किस तरफ है। तो मैं उनको ऑफ रोडिंग पे गाड़ियों में पुरानी जीपों में अपन को ट्रैवल कराता था। हम लोगों ने जितना पैसा हम कमाते थे फजीला ज़्यादातर तो बच्चों को इंटरनेशनल ट्रैवल कराते। सही, मैं उनको पाकिस्तान दिखाता हूँ, ठीक है, बाय रोड उनको मैं कश्मीर भी ले जाता हूँ, बाय रोड उनको मैं पहाड़ों भी ले जाता हूँ। हमने गाड़ियाँ अपनी कस्टमाइज बनाई हुई हैं और दोनों बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह अब मैं आराम से बैठा होता हूँ और जो मुश्किल टेरेन्स भी होती हैं वहाँ पर अहमद ज़ोरैन खुद गाड़ी चला रहे होते हैं, फंसा भी रहे होते हैं, निकाल भी रहे होते हैं, और गाड़ियाँ फंस रही होती हैं उनको भी रेस्क्यू करवा रहे होते हैं। तो आउटडोर एक्टिविटीज़ में उनकी एकेडमिक्स के साथ साथ मैंने इन दोनों को इन्वॉल्व रखा। सही, तो इस वजह से एक बॉन्ड पेरेंट और सन का एक बॉन्ड बन जाता है। बहुत जरूरी है बॉन्ड जो है ना, वो रिलेशन से ज्यादा फ्रेंडशिप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब टाइम स्पेंड करना एक दूसरे के साथ, टाइम स्पेंड करना भी। लेकिन अगर देखें आजकल एक और, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं थोड़ा, मुझे लगता है मैं एक पुरानी थोड़ी सोच भी रखती हूँ। मुझे लगता है आजकल खवातीन ने एक नया सीख लिया है बस ये देख देख के ना, क्वालिटी टाइम दे दें। बच्चों को टाइम नहीं दे रहे आप, अरे भाई कमाने तो दो बेचारे को, कमा के घर आए अभी सांस तो लेने दो। मतलब वो उन्होंने ना थोड़ा इस चीज़ को भी वो मिसयूज़ करना शुरू कर दिया कुछ लोगों में। हालांकि कुछ माँ का भी होता है, मतलब ये तो नहीं होता ना कि सिर्फ बाप के सर पे, पूरी फैमिली का इसमें हाथ होता है कि आप मिलजुल के दें। और टाइम देने का मकसद ये नहीं होता कि आप बस बच्चे को लेके बैठ जाएं या गोद में उठा के घुमाते रहें। टाइम देने का मकसद ये होता है कि आप अपने घर का माहौल इस तरह का रखें कि बच्चों के साथ आपका वो ताल्लुक हो कि आप बैठें तो वो आपसे हर बात अपनी शेयर करें, कोई बात उनको छुपाना ना पड़े, घर का माहौल इतना कम्फर्टेबल हो कि जो फैमिली है वो घर में आके उनको उनका कंफर्ट जोन होना चाहिए घर में। ये सही। नहीं हो कि घर आके वो बच्चे फिर बाहर भागना चाहें। तो ये सब चीज़ें, सिर्फ ये किसी को कह देना कि मियाँ को, या मतलब मुझे मुझे एक चीज़ लगता है, मैं टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत, अगर आप कहें कि फेमिनिज्म की बात करें तो मैं औरतों के लिए भी बहुत बात करती हूँ, लेकिन मर्दों पर भी मुझे एक मामले पर मुझे कभी लगता है कि हमारे यहाँ खवातीन कुछ चीज़ों को बड़ा मिसयूज़ करती हैं। इसलिए कि जी आप बच्चे को टाइम ही नहीं दे रहे, आप बच्चे को लेके, अरे भाई ये बात नहीं होती कि बच्चे को घुमाना या पैसा देना इज़ नॉट कि आपने, या क्वालिटी टाइम दे दें कि बच्चे के साथ आप एक घंटा बैठें, बच्चे को बाहर ले जाएं, झूले झुला लें, ये नहीं होता है। बात ये होती है कि जैसे अभी हमारे घर में जिस तरह से हमने रखा हुआ था सिस्टम, शुरू में जब कैसर काम करते थे तो कैसर कितने दो दो दिन घर नहीं आते थे, शूट्स होती थी, एडिट होती थी, सब कुछ होता था। आप बच्चों को सिखाते हैं कि आपका बाप मसरूफ है, आपके लिए कमा रहा है, आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो जब जितनी देर भी घर आ रहा है तो आप एक तो उसको रिस्पेक्ट करें, उसको प्यार करें, उसके साथ फिर आप बैठे उठे, मतलब आपको बहुत सारी चीजें होती हैं जो वैल्यू देना एक दूसरे की, इज्जत जो बच्चे फिर पिक करते हैं वो माँ बाप से पिक करते हैं। हमने एक चीज और करी थी हमने कि बच्चे जब चल रहे होते थे तो फिर गिर जाएगा चोट लगी, मैं कहता था नहीं उसको चोट लगने तो पता चले चोट होती क्या है। मट्टी कभी बच्चे खा रहे थे छुपके, मैं मट्टी में दाल खाओ जितनी खानी है खाओ,
ये कहती थी, कहते हैं इम्यूनिटी डेवलप होती है बच्चों की, उसको उसको पेट भर जाने दो, बच्चों हाँ नॉर्मल नॉर्मल तरीके से पालना चाहिए बच्चों को, बहुत ज्यादा ये भी नहीं करना चाहिए कि आप उन्हें बिल्कुल ही ओवर पैम्पर कर दिया, हाँ ओवर पैम्पर कर देना या इस तरह इतने नाजुक बन गए कि दुनिया को फेस ही नहीं कर सके, और हर चीज दिला देना, हर बात मान लेना, आपको यू हैव टू लर्न टू से नो टू योर किड। मोहब्बत सबको होती है लेकिन आप उतना ही देंगे ना जितना आप कमा सकते हैं। जी हाँ। मैंने अपने बच्चों को जिंदगी में एक बात सिखाई और मैं हर जगह जाके वो बात करती हूँ क्योंकि वो सबके लिए बहुत जरूरी है, कि जो आपका है, जो आपके माँ बाप ने आपको लेके दिया है, वही आपका और वही सबसे बेहतरीन है। किसी की चीज को देख कर हिरस ना करें, हाँ कोशिश करें कि आप फिर मेहनत करें कि आप इस काबिल हों कि आप वो चीज अर्न कर सकें, अर्न करें उसको। ठीक है जनाब, बहुत अच्छा लगा कैसर भाई और फजीला जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, यू बीन ऑन द शो एंड आई विश यू बोथ ऑल द लक फॉर फ्यूचर आल्सो, और आपकी फैमिली भी खुश रहें हमेशा, आबाद रहें, और इसी तरह दोनों मिलजुल के हंसते मुस्कुराते रहें हमेशा। थैंक यू, थैंक यू जी। जनाब मुझे आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा क्योंकि ये मुझे बहुत मजा आया आज शो में, खास तौर पे ये बताइए कि कैसर भाई क्या सिचुएशन थी और मैं जो कॉमेंट्स है वो कैसर भाई तक पहुंचा आप सच्ची बताए मैं कितनी अच्छी हूँ पहले सब ये भाई, वही काजी वाजिद मरूम साहब वाली बात कि मेरी बीवी इतनी अच्छी है कि मेरे दिल चाहता है ऐसी एक दो तीन चार पांच और हो चले, और मेरे में इतने अच्छे हैं कि बस मैं चाहती हूँ एक ही काफी है। बुल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।